हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी ये सुबह के 7:15 हो रहे हैं फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक खूबसूरत सा प्लांट मॉर्निंग ग्लोरी के बारे में बताऊंगी और मैं इसको कैसे ग्रो किया है और मैंने इसको कैसे केयर किया है। और ये मेरे पास देखिए कई दिनों से फ्लावरिंग कर रहा है और इतने फ्लावर्स इसमें आ रहे हैं आज एक ही दिन में। यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स देखिए, गिनते गए तो यहाँ पर 21 टू फ्लावर मुझे मिले हैं आज। बहुत फ्लावर्स देखिए अभी सुबह में खिल ही रहे हैं, पूरे अभी नहीं खिले हैं, खिल रहे हैं। और इसका कलर इतना अच्छा है, अंदर से पिंकिश और ऊपर पर्पल, बहुत ही प्यारा सा कलर। अभी खिल रहे हैं कुछ फ्लावर्स, देखिए कितने फ्लावर्स बने हैं पूरे। देखिए गुच्छों में ऐसे बर्ड्स निकलते हैं इसमें और ये फ्लावरिंग करती ही रहती हैं। बहुत ही प्यारा और समर के ब्यूटीफुल प्लांट ये मॉर्निंग ग्लोरी का है। और फ्रेंड्स ये जो पौधा है एक बेल के रूप में है और इसे आप हैंगिंग बास्केट में भी आप लगा सकते हैं। और देखिए इसमें इस तरह के गुच्छों में जो है वो बर्ड्स निकलते रहते हैं। देखिए इसके बाद 3 to 4 उसमें बर्ड्स एक साथ निकलते हैं, उसके बाद फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते ही जाता रहता है। और ये सीज़न के टाइम है तो इतने फ्लावर्स निकल रहे हैं रोज़ ही। आप इसे एक पौधा लगा देंगे तो आपका सुबह जो है बहुत ही प्यारा निकलता है, इसकी कलर इतनी खूबसूरती है। और फ्रेंड्स मेरे ये जो प्लांट है मैंने इसको सीड से ग्रो किया है और सीड से ग्रो करते करते मुझे 2.5 से 3 महीने हो गए हैं। अब जाकर इतनी बड़ी ये बेल मेरे चढ़ गए हैं और इसे एक सहारे की ज़रूरत पड़ती है। आप जितना ये सहारा इसको देंगे उतनी ये फैलती जाएगी ऊपर तक। और देखिए फ्रेंड्स ये ऐसे ही साइड से बहुत सारे इसके जो स्टेम्स हैं न्यू वो निकलते ही रहते हैं, बस इसको सहारे की ज़रूरत है। आप चढ़ाते जाओ तो ये बहुत ही अच्छे से चढ़ता जाता है। और देखिए ये एक ही पौधा है, और मैंने इसको मिट्टी देखी है, इसको वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए। और पॉटिक मिक्स बनाते समय मैंने इसको मिट्टी और 50% सैंड मिलाकर इस थैली में जो शुगर की एक पॉलीबैग थी मैं उसमें इसको लगाया है। और इसको पानी की रिक्वायरमेंट ऐसी है फ्रेंड्स, इसको हर रोज़ पानी देनी पड़ती है, लेकिन पूरे वो ड्रेन होना चाहिए, पानी बिल्कुल इसमें रुकना नहीं चाहिए। मैं सुबह में डालती थी, शाम तक इसको पूरी उसकी मिट्टी जो है वो ड्राई हो जाती थी, फिर मैं कल नेक्स्ट डे सुबह में इसको मैं पानी देती थी। इस तरह मैं इसको देखभाल कर रही हूँ। और एक जो घर में मेरा कंपोस्ट बना था किचन वेस्ट से, वही मैंने इसमें एक थोड़ी सी मिट्टी में मिलाई थी, उसके बाद इसे कोई भी कंपोस्ट मैंने नहीं डाली है। और देखिए फ्लावर्स इतने दूर से कितने प्यारे दिख रहे हैं, पत्तियों से ज़्यादा इसमें फ्लावर ही फ्लावर नज़र आ रहे हैं। और बर्ड्स तो अभी भी बहुत है, कई दिन तक ये खिलते ही रहेंगे, बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है। देखिए थोड़ा नज़दीक से भी दिखाते हैं आपको, वाओ कितना अच्छा सा निकल रहा है। देखिए दिख रहा है तो बहुत ही प्यारा है, आज मैं सुबह में इसको देखकर ही बहुत खुश हो गई थी। मैं मॉर्निंग थोड़ी यहाँ पर आकर बैठती हूँ, थोड़ी चाय वाय पी लेती हूँ, मेरी जो मॉर्निंग है ऐसे ही निकलती है। और इसकी कलर मुझे बहुत पसंद आ गई, इसमें कई कलर्स आते हैं, एक लाइट पर्पल में आता है और ये कलर है, और एक पिंक में भी इसमें आता है। मैंने इसको ऑनलाइन सीड्स जो मंगाए थे उसमें मुझे मिला था, तो मैंने इसको सीड से ही ग्रो किया है और अच्छी से ये चल भी रही है। और इसके सीड्स भी मैं कलेक्ट करके रखूँगी, हर साल मैं इसको ग्रो करूँगी, क्योंकि इसकी प्लांट जो है वो बहुत महंगी बिकती है। हमारे यहाँ तो इसकी प्लांट मैंने नर्सरी में देखा ही नहीं है, तो मैंने ऑनलाइन जैसे ही इसको देखी थी तो सीड्स मंगा लिए और मैंने कई
जगह पर इसको सीड मैंने डाल दी थी, जैसे उसकी पौधे थोड़ी एक दो फीट की हो गई, मैंने निकाल कर इस बैग में मैंने लगाया है। और देखिए अब जाकर मुझे बहुत ही अच्छे से ये फ्लावर दे रहा है। काफ़ी हवा चल रही है हमारे यहाँ, थोड़ी लाइट धूप भी निकल आया है, मॉर्निंग का समय है, ब्यूटीफुल फ्लावर के साथ। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताना। और इसको केयर बहुत कम केयर में ये अच्छी सी फैलते रहते हैं। और देखिए छोटे छोटे जहाँ भी निकलते हैं पूरे बर्ड्स के साथ ही निकल रही है, पत्ते कम हैं बर्ड्स इसमें ज़्यादा हैं। और मैंने इसको पूरे इस तरह तार में मैं इसको फैलाऊंगी जब तक ये बढ़ता रहेगा। ये बहुत ही फास्ट बढ़ता है फ्रेंड्स। जैसे ही मैंने इसको पॉट इस ग्रो बैग में शिफ्ट किया तब से इतनी तेज़ी से ये बढ़ रहा है। एक महीने डेढ़ महीना हो गया शायद, मैं क्योंकि मैं एक दूसरे पौधे के साथ मैंने इसकी सीडलिंग की थी, उसी में मैंने एक महीने तक छोड़ दिए थे, उसके बाद मैंने इसमें शिफ्ट किया तो इतनी अच्छी ये हो गई। और मैं अपने गार्डन में जो है वो कल पूरी अच्छी सी साफ सफाई की है फ्रेंड्स, पूरे एक एक पौधे को जो कि हटा कर निकाल कर पूरे मैंने साफ सफाई की है पूरे। लगातार मैं अपने गार्डन्स में ऐसे ही काम कर रही हूँ। कुछ अच्छे बेल्स जो है मैं अभी चढ़ा रही हूँ, अभी कुछ दिन के बाद मानसून स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये भी मेरा वाइन कितनी अच्छी से ये चढ़ गया है और बहुत सारी ये बर्ड्स जो है प्रोड्यूस कर रहा है। अभी फ्लावर खिले नहीं हैं, अभी धीरे धीरे इसमें भी फ्लावर जो है वो पूरा बन जाएंगे। इसको भी मैंने इस तार के साथ सहारा देकर ऐसे ही मैं इसको बढ़ा रही हूँ। और ये भी मेरे पॉट में लगा हुआ है और यहाँ पर भी कुछ पौधे मेरे अच्छी खासी चल रही हैं। और बारिश थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी तो मेरे ये रेन लिली में बहुत सारे फ्लावर्स खिले थे, देखिए पूरे बीज भी बन गए। थोड़ी बारिश की वजह से निकल कर आए थे, अब बारिश के सीज़न स्टार्ट होते ही बहुत सारे फ्लावर्स निकल कर आ जाएंगे। और देखिए मैंने अभी अभी यहाँ पर बैठकर थोड़ी सी चाय भी मैंने पी है और सारे पौधों में थोड़ी थोड़ी मैंने पानी भी डाल दिए हैं। और कुछ फ्लावर्स के पौधे हैं और मैंने नया कुछ ख़रीदा नहीं है क्योंकि धूप ज़्यादा है, नेट भी मैंने नहीं डाला है तो मर जाएंगे, क्योंकि मैंने बालसम के जितने भी सीड्स मैंने डाले थे सारे मेरे ख़राब हो गए हैं, बड़ी नहीं रहे हैं धूप की वजह से, तो मैं नए पौधे अभी कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ। अब सारे जो गुलदाउदी के ये पौधे हैं, सॉरी गुलदाउदी के नहीं, हिबिस्कस के जो पौधे हैं वो रेस्ट पर हैं। और देखिए यहाँ पर मेरे कुछ पौधे हैं, उधर बालसम भी है बढ़ नहीं रहा, और ये मेरे देसी रोज़ के कटिंग से अच्छे से ग्रो होने के बाद एक फ्लावर दिया है, दूसरा बर्ड्स भी आ रहा है। कुछ पौधों को मैंने काट कर पूरे यहाँ से नीचे से मैंने निकाल कर सब मैंने कचरा निकाला है। और ये मेरे और एक जरबेरा खिला है, वो दो फ्लावर्स के बाद ये तीसरा निकल कर आया है। कुछ पौधे और यह मेरे कोलियस अच्छा चल रहा है, दो कलर में एक ही इसमें मैंने कटिंग लगाया था तो ये भी मेरा अच्छा ग्रोथ हो रहा है। और यहाँ पर मेरे कुछ पौधे और ये पेटोनिया की तो बात ही कुछ और, कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है, हर रोज़ बहुत सारे इसमें फ्लावर्स निकल ही रहे हैं। ये भी एक महीने से फ्लावर दे रहा है और बहुत ही अच्छी सी इसके कलर भी है, लेकिन इसमें सीड्स नहीं बन रहे धूप के कारण, अच्छी फैल रही हैं। अभी बारिश के सीज़न में मैं इसकी कटिंग से और पौधे जो है मैं तैयार करूँगी। हवा चल रही है और मैं अभी कुछ चेंजेस भी करने वाली हूँ धीरे धीरे करके अपने गार्डन में। कुछ आगे
प्लांट्स के लिए अभी से मैं प्लानिंग करूंगी। और देखिए ये जीनिया का एक प्लांट एक ही मेरे पास उगा था, लेकिन धूप के कारण सब गए, बीज मैंने डाले थे तब एक ही पौधा मेरा बच गया और उसमें थोड़ी सी बर्ड भी आ गए हैं। देखते हैं कौन से कलर में फ्लावर्स खिलते हैं। और बहुत तेज़ धूप है और मैं ये सब यहाँ पर जो पौधे मैंने यहाँ पर लाइन में ये रखा है ये सब मैं कुछ दिन के बाद निकालूंगी। देखिए ये मेरा साइज़, देखिए फ्लावर का कितना छोटा हो गया और उसका कलर भी कितने शेड हो गए हैं धूप के कारण। देखिए इसको धूप पसंद है, हालांकि पानी और धूप में थोड़ा केमिस्ट्री नहीं बन रही है। तो देखिए बारिश के दिन में यहाँ से पूरे पानी निकलता रहता है, तो मैं यहाँ से सारे पौधे हटाऊँगी। हटा कर यहाँ पर जो एक साइड पर है वहाँ पर मैं लगाऊँगी, क्योंकि यहाँ से बारिश की पानी निकलने से मिट्टी जो है बाहर आती रहती है। और ये मेरा ग्रास का लॉन जो अच्छे से फैल रही है, पूरे यहाँ पर गैप था, देखिए कितना पूरा फैल गया है, इतना फास्ट ये भी बढ़ता है। अभी बारिश में ये इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा थोड़ी इसमें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।